झारखंड की राजनीति के उस अस्तम का आज अवसान हो गया, जिनके अंतिम दर्शन को लगातार बड़े राजनेता हो या समाज सेवी हो या सभी स्तर के लोग अभी अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं। और बोकारो की राजनीति के अस्तम में से एक हमारे दादा साधु शरण गोप भी इस समय उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं। दादा, आज एक ऐसे सूर्य का अस्त हो गया जिनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? समरेश सिंह जी गए, बोकारो छोड़ करके गए, झारखंड छोड़ के गए, पूरा बोकारो मरमाहत है। दूसरा समरेश नहीं पैदा हो सकता है, एक चीज़ अपने कामों से इन्होंने साबित कर दिया है। और समरेश सिंह होना इसलिए भी ये असंभव है कि हमको नहीं लगता है कि बोकारो में जितने लोगों को व्यक्तिगत रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, या तो कोई और भी मामला हो, उन्होंने जितना सहयोग इंडिविजुअल लोगों को किया है कोई दूसरा नहीं किया है। समरेश सिंह का जाना बोकारो के लिए बहुत ही दुखद है, कर्मचारियों के लिए दुखद है, यहाँ बोकारो के लिए दुखद है। और इनको इतिहास याद रखेगा, आज जितने लोग आए हैं हो सकता है कुछ दिन बाद ना रहें, लेकिन समरेश सिंह जब तक सूरज चांद रहेगा बोकारो में रहेंगे। कुछ ऐसे अनछुए पल इस समय आपके दिमाग में कौंध रहे हैं? बिल्कुल, समरेश जी का जो राजनीति का जो उदय हुआ है, एक क्रांतिकारी भावना से वो राजनीति में आए और उसका सपोर्ट बोकारो सबको मिला, लेकिन राजनीति में जिनकी इनकी क्षमता था, जितना इनका ऊर्जा था, बोकारो और चंदन कैरी के सेवा में इन्होंने लगा दिया। अगर ये सेवा अगर लगा दिए होते शायद राष्ट्र में, तो मैं समझता हूँ कि कुछ जो भाजपा के लोग हैं शायद इनके आज ऊपर नाम होता। आज दुख है बोकारो का, वो नहीं पहुँच सके। 96 में बहुत नज़दीक से लोकसभा में हारे थे। बोकारो के लोगों में अगर राजनीतिक सोच होता तो 10,000 वोट से हारे थे, ना हारते। और शायद अगर लोकसभा चले जाते 96 में, तो मैं समझता हूँ चास बोकारो ही नहीं, आज देश मरमाहत होता, देश मरमाहत होता। सभी गमगीन हैं और इसी तरह की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। अभी देखिए, यूनियन से श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी भी आए हैं अंतिम दर्शन के लिए, सर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? दादा नहीं रहे, अभी इस युग का तो अंत हो गया। बोकारो में महतो जी ये दो नेता थे, महतो जी पहले चले गए और ये बचे हुए थे तो आज चले गए, तो इसलिए एक मतलब ट्रेड यूनियन बोलिए या राजनीति बोलिए, पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें उसका अंत मानिए। दादा तो बहुत संघर्षशील थे, हम लोग तो साथ में कम से कम 40 साल रहे और उसके बाद तो हम लोग स्वतंत्र यूनियन कर रहे हैं, इसलिए हम तो यही बोले कि उसमें आत्मा को शांति मिले, जनता के लिए बहुत कम मरमाहत दिखेंगे। जितने भी लोग दादा के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, झारखंड की राजनीति के उस अस्तम का आज अवसान हो गया, जिनके अंतिम दर्शन को लगातार बड़े राजनेता हो या समाज सेवी हो या सभी स्तर के लोग अभी अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं। और बोकारो की राजनीति के अस्तम में से एक हमारे दादा साधु शरण गोप भी इस समय उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं। दादा, आज एक ऐसे सूर्य का अस्त हो गया जिनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? समरेश सिंह जी गए, बोकारो छोड़ करके गए, झारखंड छोड़ के गए, पूरा बोकारो मरमाहत है। दूसरा समरेश नहीं पैदा हो सकता है, एक चीज़ अपने कामों से